नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जैविक कृषि को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए एक व्यापक प्रयास हो रहा। अभी आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष के बजट में ही जब कोरोना काल में पैकेज अनाउंस हुआ तो केवल औषधीय पौधों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए की एक अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था की गई कि नदियों के दोनों छोरों पर किस प्रकार से औषधीय पौधों का जैविक उत्पादन सुनिश्चित हो सके, यानी जड़ी बूटियों को जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं उनका अच्छा उत्पादन हो देश के लिए भी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए। अकेले गंगा नदी के दोनों छोरों पर 800 हेक्टेयर के इलाके में इस प्रकार की औषधीय पौधों की जैविक खेती की जा सके इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की। परंतु मैं इस संदर्भ में आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूं। अक्सर हमारे दिमागों में बात भरी रहती है कि कृषि का जितना आधुनिक स्वरूप है यह सब वेस्ट से ही आया है। अगर आप लोगों में से किसी ने कभी इस तथ्य को पढ़ा हो कि हम आपसे पूछें कि आज से तकरीबन 250 साल पहले सन 1784 मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी जिसमें आज का लगभग पूरा दक्षिण भारत का हिस्सा आ जाता है, जिसमें पूरा तमिलनाडु आता है, आज का पूरा आंध्र आता है, पूरा केरल आता है और कुछ हिस्से कर्नाटक और उड़ीसा तक के आते थे, जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे। उसमें एक सर्वेक्षण किया गया अंग्रेजों के जमाने। सर्वेक्षण करने वाला जो ब्रिटिश अधिकारी था उसका नाम था टॉमस बर्नार्ड, और उसने आज के तमिलनाडु में जिसे महाबलीपुरम और चेंगलपुट का इलाका कहते हैं वहां 800 से अधिक गांवों का सर्वेक्षण, और उस सर्वेक्षण में ये 1784 की बात जो तथ्य सामने आए वो बड़े आश्चर्यजनक। उन्होंने कहा कि यहां पर जो कृषि है उसकी जो उपज है वो उस समय के यूरोप के उपज की 6 से 7 गुना प्रति हेक्टेयर, उस समय की 6 से 7 गुना, और आज जिसे हमने कहा कि हमने केमिकल फर्टिलाइजर मैकेनाइज फार्मिंग और जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स के द्वारा यूज करके किया है उसके भी लगभग 3 गुना, यानी आज जितना हम उत्पन्न करते हैं उसका 2.5 से 3 गुना। जब यह रिपोर्ट गई तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इस बात पर भी फिर जानकारी लेना चाहिए कि भारतीय किसान ऐसा क्या करते हैं। तब उसने जो चीजें लिखी हैं उसमें जैविक कृषि और अन्य बहुत सारी चीजों का वर्णन है। जैसे उसमें एक चीज का और वर्णन है जिसकी तरफ अभी आधुनिक काल में इतना ध्यान लोगों का नहीं जा रहा है। उसने ये लिखा था कि जो भारतीय किसान हैं ये यूनिफॉर्म फार्मिंग नहीं करते, यानी एकड़ों तक, या जैसे विदेश में तो आप देखिए एक एक कई कई किलोमीटर तक एक ही चीज का खेत होगा, गेहूं है तो गेहूं ही उग रहा होगा। उसने कहा था कि ये लोग मल्टीपल फार्मिंग करते हैं, यानी एक ही खेत में 2 या 3 प्रकार की फसल उगा रहे, जिससे कि जमीन की उर्वरा शक्ति बेहतर रहती है, ऐसा उन लोगों का मानना है। जैसे आप एक प्राकृतिक भूमि का हिस्सा देखें जंगल का, जस्ट आप 100x100 मीटर का इलाका ले लें तो क्या उसमें एक ही प्रकार का फूल उगता है, एक ही प्रकार का पौधा उगता नहीं, अनेक प्रकार के उगते। तो उसने लिखा कि ये लोग मल्टीपल क्रॉप एक साथ बोते हैं और उसे यह भी पता है कि किस क्रॉप का कॉम्बिनेशन किसके होने से कौन सी किस प्रकार से दोनों फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया ये बताने के लिए कि कृषि के संदर्भ में हमारा ज्ञान और हमारी तकनीक परंपरागत रूप से बहुत ही उच्च और उत्कृष्ट श्रेणी की थी, और अब 21वीं सदी में धीरे 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 भारत उस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है। मैं मानता हूं कि यदि हमने इस प्रकार के प्रयासों को अच्छे ढंग से किया, व्यवस्थित ढंग से किया, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें जो आपके एक्सपीरियंसेस आते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनको एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन, यानी उनको एक पूरी तरह एक अच्छे दस्तावेज के रूप में बनाकर भारत सरकार की जो आधिकारिक एजेंसीज हैं उनके साथ भी साझा करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक पारंपरिक मान्यता थी कि किसी जानवर के सींग में, मृत जानवर के सींग में खोखला करके यदि गाय के गोबर को 6 महीने के लिए जमीन में गाड़ दिया जाए तो 6 महीने के बाद जब वो निकलता है तो उसमें नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ऐसी प्रोसेसिंग हो जाती है कि वो एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का काम करता है यदि उसको एक निश्चित मात्रा के पानी में घोलकर प्रयोग किया जाए। अब इसमें कॉस्ट भी बहुत कम है और किसी भी प्रकार के हानिकारक तत्वों से पूरी पूर्णतः मुक्ति है। ये सिर्फ मैंने इसलिए कहा
चूंकि हमें ध्यान आता है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे प्रयास उस समय की सरकारों ने किए। मैं ये भी ईमानदारी से कहता हूं, हाँ जैसे IITs को बनाना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलोर था, या राउरकेला बोकारो के स्टील प्लांट थे, भाखला नंगल प्लांट था, अच्छे प्रयास थे। एम्स बना, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनी 1959 में राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, जिसके तहत पंतनगर 1960 में देश की पहली एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनी। परंतु यहीं पर मेरे मन में विचार आता है कि काश हमारे मन में अपने वास्तविक जो परंपरागत ज्ञान था उसके प्रति एक आत्मविश्वास होता, और जैसे हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज 1960 से बनानी शुरू की, अगर हमने उसी समय भारत के इस परंपरागत कृषि ज्ञान संबंधी कुछ संस्थान स्थापित कर दिए होते, जिसे आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कह रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, या सर्टेन यूनिवर्सिटीज विच वर ओनली डेडिकेटेड टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड टू फाइंड आउट द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फार्मिंग टेक्निक्स, जैसे मैंने अभी आपको गोबर को जमीन में गाड़कर और वो करने की बात, उसमें मुझे एक आध ऐसे वैज्ञानिकों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उन्होंने और भी रोचक बात बताई। उनका कहना था कि जब जमीन में हम किसी चीज को गाड़ के 6 महीने के लिए प्रोसेस होने देते हैं, तो यदि उत्तरायण सूर्य में उसको जमीन में हम बरी करें और दक्षिणायन में निकालें तो उसकी अलग क्वालिटी होती है, और दक्षिणायन सूर्य में डालकर उत्तरायण में निकालें तो अलग क्वालिटी होती है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन पर एक विस्तृत वैज्ञानिक शोध हो और उसे युगीन परिवेश में, यानी एक कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में प्रस्तुत करने का काम करें तो हमारे देश का भी भला होगा, हमारे देश का मान और गौरव भी बढ़ेगा और विश्व में भी मानवता का कल्याण। हम ये कहते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, परंतु कृषि में प्रधानता किन किन चीजों की थी, इस बारे में जानकारी लोगों की अपेक्षाकृत बहुत कम है। देखिए, आप सबको पता है कि इंजीनियरिंग में प्रवेश करने से पहले एक प्रकार का सब्जेक्ट है जो आपको प्री रिक्विजिट के रूप में पढ़ना पड़ता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मेडिकल में एडमिशन लेना है तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। उसी ढंग से हमारे यहां भी ज्ञान के व्यवस्थित स्वरूप थे, जैसे कृषि और पाकशास्त्र। तो आप ये समझिए कि जो कृषि, पाकशास्त्र और आयुर्वेद, आप कहेंगे भाई ठीक है कृषि और पाकशास्त्र का अर्थ समझ में आता है परंतु आयुर्वेद क्यों? अब आप समझिए, कृषि वो विद्या थी जो ये बताती थी कि किसी भी चीज को उगाना कैसे, फिर जब उगा लिया तो उसे पकाना कैसे है, वो जो ब्रांच ऑफ नॉलेज बताएगी वो पाकशास्त्र। अब जब पकाना है तो उसके अंदर कौन कौन से औषधीय गुण हैं और उसका कैसे प्रयोग करना है, ये जो विद्या बताएगी वो आयुर्वेद है। और हमारे यहाँ तीनों इस सीमा तक मिले हुए थे कि कई बार लोगों को भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि यह विज्ञान है या परंपरा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपने क्लास सेकंड और थर्ड में एडिशन सब्सट्रैक्शन शुरू किया होगा तो टीचर ने आपको बताया होगा कि बेटा 2+3=5 कैसे होता है। पहले आप 2 लकीरें खींचते हैं, फिर 3 लकीरें खींचते हैं, फिर 5ों को काउंट करते हैं और फिर आप कहते हैं कि इज इक्वल टू 5। और आपको लगता है ये एक व्यवस्थित साइंटिफिक तरीका है। और वही MSc फिजिक्स के व्यक्ति से 5 का स्क्वायर पूछे तो वो इमीडिएटली 25 बोल देता है, जो दूसरी चौथी क्लास में बैठे व्यक्ति को अवैज्ञानिक लगेगा, कहेगा ऐसे कैसे, इसको तो 5 लकीरें 5 बार खींचनी चाहिए थी, फिर 5ों को काउंट करता तब 25 बोलता तो समझ में आता, इसने तो ऐसे बोल दिया, मुझवानी जैसे इसको कोई इंट्यूशन हो रहा हो। ना, इंट्यूशन नहीं था, नॉलेज के उस लेवल पे थे जहां वो चीज बहुत ही सामान्य लगने लगती है, वो आपके कॉन्शियस प्रोसेस का हिस्सा हो जाती है और इतनी तेजी से काम करती है कि आपको लगने लगता है कि इसमें तो हमने कोई स्थापित वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ विज्ञान में ऐसी प्रकार की चीजें थी जो हमारी परंपरा में इस तरीके से रच बस गई थी कि आपको कई बार भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि यह परंपरा है विज्ञान। उदाहरण के लिए, आज सबसे अच्छे एंटीसेप्टिक में हल्दी माना जाने लगा, और हल्दी हमारे भारतीय परंपरा में उत्तर से दक्षिण तक भोजन का सबसे महत्वपूर्ण, अभी आपने शायद ध्यान दिया हो ना दिया हो, अगर आप दाल को छौंकते हैं जीरे से, अगर अरहर की दाल को,
हींग से छोंकते हैं, कहा जाता है डाइजेस्टिव है इसलिए, मगर जो काली दाल है उसको तो हींग से नहीं छोंकते, ऐसा क्यों, जबकि वो उससे ज्यादा हैवी है, बल्कि उसमें तो मक्खन डाल देते हैं, क्योंकि वो दाल जो है उसके अंदर वो सेल्यूलोज की कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए वो फैट को एब्जॉर्ब कर सकती है। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए किया कि हमारे भोजन में, जो मैंने कहा था ना कि कृषि, पाकशास्त्र और आयुर्वेद, हमारे भोजन में पाकशास्त्र और आयुर्वेद इस कदर मिला हुआ है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यहां पर कितना गहरा विज्ञान था, क्योंकि वो हमारी चेतना और हमारे कॉन्शियस प्रोसेस का एक हिस्सा हो गया। उसी प्रकार से जो आज एक प्रयास है, ये इसलिए बहुत आवश्यक है, मैंने सिर्फ आपको ये उदाहरण इसलिए दिया, ये इसलिए बहुत आवश्यक है ताकि ये जो हमारा ज्ञान लुप्त हो चुका था, ये ज्ञान उभर कर सामने आए, लोगों को प्रकृति के साथ तदात्म्य स्थापित करते हुए उपज उगाने का मौका मिले, अच्छे औषधीय पौधे, एरोमेटिक प्लांट जिनको कहते हैं, सुगंधीय पौधे, उनको उगाने का मौका मिले, और फिर उसको किस ढंग से पकाना और कैसे आयुर्वेद में उसका प्रयोग करना है, मेरे विचार से प्राकृतिक जीवन शैली के लिए इस प्रकार के प्रयास एक मील का पत्थर साबित हुए। और आप तो ध्यान करिए, हमारी तो सोच एकदम अलग थी, अरे भाई ये वहां की सोच थी कि प्रकृति पर विजय प्राप्त कर, हम लोग बचपन में कहा जाता था क्या मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, एक लेख लिखो, निबंध लिखो, हमने जंगल काट कर शहर बसा दिए, हमने पहाड़ काट के सड़कें बना दी, नदियों किनारे बांध बना दिए, और किताबों में पढ़ा कि जब 1961 में यूरी गैगरिन स्पेस में गए तो मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, एज इफ द स्पेस इज एन एनिमी नीडेड टू बी कॉन्कर्ड। ये गलत सोच थी। हमारी सोच क्या है, हमें प्रकृति पर विजय नहीं प्राप्त करनी, प्रकृति के साथ हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, प्रकृति के साथ हमारा कोई संघर्ष नहीं, हम तो कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी। यहां तक कि हम जो धार्मिक अनुष्ठान में जो श्लोक या मंत्र बोलते हैं उसमें क्या कहते हैं, ओम अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापह शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति, यानी पेड़ पौधों में भी शांति हो, औषधियों में शांति हो, आकाश में शांति हो, यह प्रकृति के साथ एक तदात्म्य था, और इसीलिए हमारी जो सारी कृषि थी जिसे आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द कहते हैं, ये तो मूलतः प्राकृतिक फार्मिंग की एक टेक्निक है। और मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो प्रयास हैं ये बहुत और व्यापक रूप से होने चाहिए, और इंदौर में आप यह प्रयास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी करिए और अन्य जगहों पर करिए। और मेरा यह भी आपको यह सुझाव रहेगा कि भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, ICAR है, या जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, अभी कोरोना काल हुआ तो पहली बार भारत सरकार ने यह साहस किया कि औपचारिक रूप से यह कहा कि च्यवनप्राश का प्रयोग किया जा सकता, इससे पहले की सरकारों में यह हिम्मत ही नहीं थी कि आयुर्वेद के किसी प्रोडक्ट को ओन कर सके। अब आप देखिए, उसके साथ पहली बार उन्होंने यह तय किया कि CSIR सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और आयुष मंत्रालय दोनों मिलकर आयुर्वेद पर रिसर्च करेंगे। तो आप सोचिए कि एरोमेटिक प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में यदि हम क्लिनिकली प्रूफ कर देंगे, यानी उसे मैं क्लिनिकली प्रूफ करने मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि उनके अंदर चीज हमें प्रूफ करनी, प्रूवन तो वो है, सिर्फ उसे युगीन परिवेश या युगीन शब्दावली में प्रस्तुत करना है, इट हैज टू बी जस्ट फॉर्मुलेटेड इन द कंटेम्परेरी वोकैबुलरी एंड कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट। और आप देखेंगे कि उससे कितना लाभ होगा, और इतना ही लाभ नहीं होगा, हो सकता है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है जिसको ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रिप्स और ट्रिम्स कहते हैं, उन सब के माध्यम से हम देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी एक बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को जो जो इसके इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं, सहभागी हैं, उन सभी संस्थानों को, उन सभी व्यक्तियों को शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने इस प्रयोग को जारी रखेंगे, और यह भी मन में विश्वास रखिए कि 21वीं सदी में महान भारत बनना जो अपरिहार्य और अवश्यंभावी है, उस बनने की प्रक्रिया में वो कुछ चीजें जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाएंगी, उनमें से एक जैविक कृषि,
और परंपरागत भारतीय कृषि ज्ञान होगा, तो उस दृष्टि से आप ये भी समझिए कि आप एक महान भारत बनाने की प्रक्रिया में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और यह चीज यह भी याद दिलाती है कि हमारा कितना स्वर्णिम भूतकाल है, गौरवशाली भूतकाल है और स्वर्णिम भविष्य, क्योंकि आज हम दुनिया के यंगेस्ट नेशन हैं, यह सत्य है, परंतु यह अर्ध सत्य है, हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी। तो जैविक कृषि यह दिखाती है कि हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी हैं, जो जो हमने कहा था दुनिया वो सब मान रही है, और उसे नए सिरे से दुनिया में बनाने के लिए सबसे बड़ी युवा शक्ति सबसे बड़ी संख्या में हमारे ही पास है। तो आपके मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वो आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़े स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में प्राचीन ज्ञान के आधार पर एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, हम स्वतंत्र हुए, हमने बहुत कुछ पाया, विकास किया, तो परंतु हमें स्वराज्य मिला, उसमें स्व का तत्व नहीं था। अभी स्व तत्व में हमारे पास बहुत कुछ है जो हमें पूरा करके दिखाना है। हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत चीजें खो भी गई हैं हमसे, जैसे यही उसमें से एक चीज कृषि, आयुर्वेद, मेडिसिनल प्लांट और सुगंधीय पौधों के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी है हमारे पास, और वो कहीं ना कहीं हम भूल गए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमें आने वाले समय के लिए अपने को तैयार करना चाहिए, और स्वराज्य में स्व के तत्व को स्थापित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक पंक्ति अटल जी की कह के बात समाप्त करूंगा कि स्वतंत्रता दिवस है ये कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। तो जो हमने किया है, जो हमने हमारी परंपरा है, उसका हम सब ध्यान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। हमने पाया है निश्चित रूप से, परंतु जो पाया है उसमें खोने का वक्त नहीं है, जो खोया है उसको ध्यान करने का वक्त है। और यह ज्ञान उसी श्रेणी में है, यदि हम इसे सही प्रयोग करेंगे तो आप सब अपने व्यक्तिगत विकास से लेके अपने राज्य, क्षेत्र और राष्ट्र और विश्व और प्रकृति के साथ तदात्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होंगे। और इस कार्यक्रम के सफल होने की शुभकामनाएं देने के साथ मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। धन्यवाद।